हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुमन के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे केक बिल्कुल अलग तरीके से, बड़े से लेके बच्चों तक बहुत पसंद आएगी ये केक, और बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी फ्री में। अगर फ्रेंड्स हमारी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आ रही तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो केक बनाने के लिए है हमें चाहिए ब्रेड, और ये ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हो, ब्राउन वाली भी ले सकते हो, और इस तरह की जो वाइट वाली ब्रेड आती है वो भी ले सकते हो। और यहाँ दूध चाहिए, तो कढ़ाई में हमने 1 लीटर दूध लगा दिया है और उसे ना उबलने को रखा है। और इस तरह से ब्रेड की जो साइड है ना वो हटा देनी है, जो ब्राउन वाली साइड है वही हटाएंगे हम। और सारी ब्रेड जितनी हमने ली है ना उतनी की सारी की हटा देनी है, जितनी हमें चाहिए ब्रेड। तो देखिए इनकी किनारी को हमने हटा दिया है। अब इन्हें ना छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है, इस तरह से छोटे छोटे पीस करेंगे इनके हम। तो लीजिए इस तरह से हमने ब्रेड को तोड़ लिया है। आप मिक्सी के जार में डाल के पीस भी सकते हो इसे। और देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमें करना क्या है, जो हमने ब्रेड तोड़ी थी ना वो इसमें डाल देनी है। थोड़ी थोड़ी करके ब्रेड को हमें डालना है। पहले ना इनकी क्रीम तैयार करेंगे हम। तो इस तरह से चला के थोड़ा हम दूध और ब्रेड को थिक होने देंगे। गैस को मीडियम और हाई के बीच में हमें रखना है। तो देखिए दूध और ब्रेड थिक होने लगे हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडे हो चुके हैं ब्रेड, तो अब हम मिक्सी का जार लेंगे, इसमें ब्रेड को रखेंगे और अच्छी तरह से इन्हें पीस लेना है हमें। तो लीजिए क्रीम बन के है तैयार, और सारी ब्रेड इसी तरह से हमें पीस के इनकी क्रीम बना लेनी है। तो इसे एक बर्तन में हम निकालेंगे और दूसरी भी इसी तरह से पीसेंगे। तो इसमें हम डालेंगे मीठा, मीठा दूध उबालते समय भी डाल सकते हो इसमें, या इस तरह से भी डाल सकते हो पीसते समय। तो मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हो। तो मिक्सी का जार बंद करेंगे और इसे भी पीस लेंगे। तो लीजिए क्रीम बन के तैयार है। अब इसे ना 5 मिनट अच्छे से हम फेटेंगे क्रीम को। तो लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं और क्रीम बनके तैयार है। आप चाहो तो मार्केट से भी क्रीम मंगा सकते हो, लेकिन ये क्रीम भी ना बहुत टेस्टी बनी है। तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ ले लेंगे ब्रेड हम, और ब्रेड की सारी किनारी हमें हटा लेनी है। ब्रेड आप छोटे बड़े जो आपके पास है वो ब्रेड ले सकते हो। तो इस तरह से साइडों से सारी किनारी हमें हटा देनी है। तो लीजिए ब्रेड तो हमने कट कर लिए हैं साइडों से, और जो किनारी बची है ना इसका कुछ बना सकते हो, फेंकना नहीं है इन्हें, कोई सी रेसिपी इससे बना सकते हो आप। तो इन्हें ना एक प्लेट में हम हटा लेंगे ब्रेड को, और इस तरह से रखेंगे हम। तो इधर हमारे पास थोड़ा सा कोको पाउडर रखा था, तो दो तरह की क्रीम हम बनाएंगे। एक तो कोको पाउडर से चॉकलेटी क्रीम बनाएंगे, क्योंकि चॉकलेटी क्रीम ना बच्चों को बहुत पसंद होती है। अगर आपके पास नहीं है तो चॉकलेट भी ले सकते हो क्रीम बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे क्रीम, और अच्छे से कोको पाउडर को इसमें हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो लीजिए चॉकलेट वाली क्रीम बन के है तैयार। अब इस तरह से ना ब्रेड पे हमें क्रीम लगा देनी है। इस तरह का कोई बर्तन ले लेंगे और इस तरह से प्लेट रखेंगे इस पे हम। अब ब्रेड पर रखेंगे क्रीम, सारी क्रीम रखने के बाद अच्छी तरह से हमें इसमें फैला देना है क्रीम को ब्रेड के ऊपर। अच्छे से लेयर बनाएंगे हम।
थोड़ी और लगाएंगे क्रीम, चारों तरफ अच्छे से हमें क्रीम को फैला देना है। ऊपर से एक लेयर और बनानी है हमें, और इस तरह से जो कोको पाउडर की हमने ना क्रीम बनाई थी वो इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से फैला देना है। और इसी तरह से दूसरी लेयर बना के भी रख देनी है और अच्छी तरह से क्रीम को फैला देना है। चारों तरफ अच्छे से हम क्रीम को लगाएंगे। तो क्रीम तो बन चुकी है, अब इस तरह की ना कोई फॉक ले लेंगे और इस तरह से थोड़ी सी हम डिजाइन बनाएंगे इसकी। बच्चों को ना डिजाइन वाली केक बहुत पसंद होती है, तो इस तरह से थोड़ी सी डिजाइन बना देंगे। थोड़ा इस तरह से करेंगे, तो लीजिए डिजाइन तो केक पे बन चुकी है। अब यहाँ हम ले लेंगे इस तरह की कोई बोतल, आप चाहो तो जो केक बनाते हैं ना मैदी वाली वैसी भी कौन बना के डिजाइन दे सकते हो केक के लिए, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई बोतल पड़ी थी, तो इसमें हम क्रीम को भरेंगे और इस तरह से फूल बनाएंगे हम। ये इतनी टेस्टी केक बनी है, इस तरह से बनाओगे ना तो मार्केट की केक लाना भूल जाओगे। बड़े से बच्चों को ये बहुत पसंद आती है केक, और घर पे आसान तरीके से बन भी जाती। तो इधर थोड़ी सी हम टूटी फ्रूटी लगा देंगे, क्योंकि बच्चों को टूटी फ्रूटी बहुत पसंद होती है, दिखने में भी केक थोड़ी सुंदर लगेगी। चारों तरफ अच्छे से इसकी हम गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में इस तरह से केक बना सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।